बहुत ध्यान नहीं है। भाई जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर भी गलत ही दिया है, मतलब जो पीवी के हिसाब से जो आंसर दिया है इसका आंसर दिए हुए थे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर कुछ और है, ये टोटल अलग है। 1916 के बारे में कुछ पूछा गया था तो इसका आंसर भी टोटल गलत ही दिया गया है। इस प्रकार से मैं बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है स्पेशली तो सीआई के क्वेश्चन, मैथ्स की बात करते हैं तो सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं और ट्रेन संबंधी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं आज के बारे में एक मुझे बहुत बड़ी शिकायत है जो मैं पीवी से करना चाहूंगा, यदि आप मेरी बात पीवी तक पहुंचती है जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मुझे ये शिकायत मिली, मेरे डेस्कटॉप पर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरे डिस्प्ले में नहीं दिख रहे थे। तो मतलब जो आपका जो फिगर काउंटिंग वाला था, तो जैसे आपका फिगर सिमिलरिटी था, तो जैसे मान लीजिए आपका पूरा लाइन कटा हुआ है तो नीचे का पूरा पूरा फेस कटा हुआ था, तो आप बताइए यदि आप क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हैं तो क्या आप आंसर दे पाएंगे, आप बताइए। क्वेश्चन में त्रुटियां थी। जी हाँ, क्वेश्चन में भी त्रुटियां थी और जो डिस्प्ले जिस तरीके से क्वेश्चन हो रहा था कंप्यूटर पे, जी हाँ बिल्कुल, उसमें दिक्कत आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं दिख पाया है। मैं चाह रहा था कि मुझे क्वेश्चन पूरा दिख जाए ताकि मैं सॉल्यूशन कर पाऊँ, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा। ऐसे मेरे लिए कम 3 क्वेश्चन मेरे लिए मिले हुए थे, एक फिगर काउंटिंग का था और 2 क्वेश्चन और थे, शायद मेरा एक क्वेश्चन ट्रेन वाला था जो आखिरी क्वेश्चन था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन मेरे लिए दिख ही नहीं रहे थे कि मैं क्या करूं इन क्वेश्चन के बारे में, क्या लिखूं, कैसे सॉल्व करूं इनके लिए। ये आपको ही प्रॉब्लम थी भैया, आपके साथ ये दिक्कत हुआ था, मतलब ये दिक्कत सबके साथ हुआ था। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि सबके साथ ही है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब ये बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो डिस्प्ले है में तो क्वेश्चंस की डिस्प्ले में काफी दिक्कत आई जिसके कारण आपके 3 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई है। बिल्कुल, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे लिए दिख ही नहीं रहे थे, मैं कैसे सॉल्व करूँ आप ये खुद बताइए ना। यदि आप इसे आप पूछ लीजिए, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं और आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट आपका कि आपका पूरा हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सको। मैंने दोनों देखा, हिंदी देखा और इंग्लिश देखा, तो दोनों में ही आपका देखा तो नहीं मिला मेरे लिए क्वेश्चन। और सिमिलरली क्वेश्चन इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इंग्लिश को अपन सही मान लेते हैं। बट लेकिन यदि आपका हिंदी संस्करण गलत है, मतलब और दोनों ही गलत है अगर काउंटिंग, तो फिर ये आप हम की गलती है, इन 3 क्वेश्चन को इनके लिए मॉडरेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, हो सकता है हमारे चैनल से ये बात व्यापम के सामने तक पहुंचे। और आपका ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा है? मेरा स्कोर 58 रहा है। आपका स्कोर 58 रहा है। मैथ्स कैसी आ रही है? मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है? मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है और एकदम कठिन नहीं आ रही है, मैथ्स सरल आ रही है बट कैलकुलेटिव पर्याप्त आ रही है। और जीके की बात करें तो आज का जो जीके का पोर्शन है वो इतना डीपली पूछा गया है, जैसे मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह देखे गए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे कि जो आज तक किसी भी बुक्स में नहीं मिले हैं। अच्छा, मतलब आप बुक्स को पढ़ के मैं आया हूँ, बुक्स में ऐसे लगे नहीं कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। कौन कौन सी बुक पढ़ रहे थे आप अगर बता सके? मैंने परीक्षा धाम को पढ़ा हुआ था, एमपी परीक्षा धाम, इसके अलावा आपका पुणेकर को भी देखा हुआ था। हाँ जी, तो इन 2 बुक से देखा गया था और महावीर का कुछ हल्का फुल्का देखा हुआ है। जी जी जी। जो जनरली आप सामान्य 3 ही बुक पढ़ते हैं मैं एमपी के हिसाब से सामान्यता, और ज्यादा गति आप लोग तो महेश्वरी पढ़ते हैं। हाँ जी, लेकिन महेश्वरी वो आपकी स्पेशली पीएससी हिसाब से होती है, तो मैं 3 बुक्स पढ़ चुका हूँ, इनके हिसाब से देखा गया तो क्वेश्चन जो थे इनमें नहीं मिले, इनमें क्वेश्चन नहीं मिले। जी जी, ये हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ही आपका भी।